मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए औरामेक्स एंटरटेनमेंट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने साहित्य को जन जन से जोड़ने के लिए जो एक प्रयास किया है, ताकि सुदूर अंचलों में बैठे हुए वो कवि भी जो अपनी कविताएं लिखते तो है लेकिन किसी कारणवश मंचों पर नहीं आ पाते, उनकी कविताओं को भी मंच पर लाने के लिए औरामेक्स चैनल द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, ये साहित्य को अवश्य ही ऊँचाइयाँ प्रदान करेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि साहित्य के प्रति ऐसे प्रयास होने चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले, श्री कृष्ण और गाय की बातचीत। कविता आपके बीच रखता हूँ। कविता का विषय यह है कि वर्तमान समय में अगर कृष्ण होते तो गाय जो आज के समय में जिन परिस्थितियों का सामना कर रही है, ये श्री कृष्ण से क्या शिकायत करती। गाय और कृष्ण की बातचीत एक कविता आपके बीच सुनाना चाहता हूँ। मित्रों, एक बार श्री कृष्ण से पूछा गया कि कृष्ण ये बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो। उनके मित्र उद्धव ने पूछा। मित्र को लगा कि शायद श्री कृष्ण ये कहेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी राधा से प्यार करता हूँ, मगर कृष्ण का उत्तर सुनकर के उद्धव दंग थे। कृष्ण ने कहा कि मित्र, मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो मित्र ने कहा कि मित्र, तुम्हारी तो दो दो माँ है, जन्म देने वाली माँ देवकी और पालने पोसने वाली माँ यशोदा, तो इन दो में से आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर था कि मित्र, इसके अलावा भी मेरी एक और माँ है, शायद उसके बारे में तुम नहीं जानते, और वो है मेरी गौ माँ। उद्धव ने पूछा कि जब तुम्हारी तीन तीन माँ हैं, अगर कोई तुमसे कहे कि आप अपनी माँ के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो श्री कृष्ण का उत्तर था कि मित्र, जिसके लिए भी मैंने माँ शब्द खर्च किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने चमड़े के जूते चप्पल बनवा कर भी उसके पैरों में पहना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मित्रों, कृष्ण ने गाय चराई, इसका मतलब कतई ये नहीं था कि कृष्ण किसी गरीब घर के बच्चे थे। कहते हैं उस समय नंद बाबा के पास 125,000 गाय थी, जिसके सिंह उन्होंने सोने से और उसके खुर उन्होंने चांदी से जड़वाए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि उन्हें चराने वाला कृष्ण अपने पैरों में जूते तक नहीं पहनता था। तब गाय और कृष्ण के बीच की एक बातचीत मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, जिसमें गाय श्री कृष्ण से कुछ शिकायतें कर रही है और श्री कृष्ण उनकी शिकायतों का समाधान दे रहे हैं। कविता प्रस्तुत है, सुनिए। गाय कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, अधर्मियों का नाश करने गीता पढ़ के रण क्षेत्र सजाया था तुमने। कि कृष्ण, अधर्मियों का नाश करने गीता पढ़ के रण क्षेत्र सजाया था तुमने, आंसू बहाते अर्जुन से भी दुष्टों का रक्त बहाया था तुमने, और 5 पांडवों से 100 कौरव इसलिए जलते थे क्योंकि अर्जुन के रथ के घोड़े तक तेरे संचालन में चलते थे। पर आज तूने संचालन में कसर कहां पर छोड़ी है। अधर्मियों ने धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ी है और दुष्टों की इतनी हिम्मत कि वो तेरी गायों को काट रहे, तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये दो भागों में बांट रहे, तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये दो भागों में बांट रहे। तो कृष्ण मत भूल, गाय कह रही श्री कृष्ण से कि कृष्ण मत भूल, मैं समुद्र मंथन से प्रगटी तेरी श्यामा और वशिष्ठ की नंदिनी हूँ। मैं जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु के उपरांत वैतरणी तक की संगनी हूँ। मैं धरती पर अपनी छाती में अमृत लिए मातृत्व का अमर बिंदु हूँ, जिसके स्नेह का सागर कभी सूखे नहीं, उस वात्सल्य का अमर सिंधु हूँ। मेरे वात्सल्य के आगे तो यशोदा का वात्सल्य फीका पड़ता था। कृष्ण, मेरे वात्सल्य के आगे तो यशोदा का वात्सल्य फीका पड़ता था। इसीलिए बचपन में कृष्ण तू यशोदा के लिए नहीं मेरे माखन के लिए लड़ता था और एक कल्पना लिखने की कोशिश की है मैंने। जब मंदिर के बाहर खड़ी जिंदा गाय मंदिर के अंदर कृष्ण की मूर्ति के साथ बनी उस पत्थर की गाय की पूजा होते देखती है, तो श्री कृष्ण से एक शिकायत करना चाहती है। वो कृष्ण को कहती है कि कृष्ण कृष्ण कितने 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 प्रमाण दूँ तेरे भक्तों को, कि कृष्ण कितने 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 प्रमाण दूँ तेरे भक्तों को, उनके हृदय पाषाणों से हो गए इसलिए वो मुझे भूलकर पाषाणों के कृष्ण में खो गए। पर कृष्ण मत भूल, तेरी पाषाण की प्रतिमा के साथ भी पाषाण बनकर खड़ी हूँ मैं, पर मेरी मूर्ति बनाने वाले की छेनी और हथौड़ी से लड़ी हूँ मैं, कि मुझे पाषाणों से बनाने वाले, मुझे पत्थरों से बनाने वाले, मैं पत्थरों से होना नहीं चाहती, मुझे पाषाणों से बनाने वाले, मैं पाषाणों से होना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरी छाती का दूध पीते हैं, मैं प्रतिमाओं में खोना नहीं चाहती। और कृष्ण, मेरे चरणों की खुद को जूती तुम समझते थे, मुझे चराते वक्त पैरों में जूती तक नहीं पहनते थे, पर आज मेरे चमड़े से ही जूतियां है बन रही। वो कृष्ण तेरे भक्तों के पैरों में जाके तन रही, पर मैं उनके पैरों की जूतियों के सहारे भी तेरे मंदिरों तक आती हूँ। मित्रों, कल्पना कीजिएगा,
जब हम जूते चप्पल या सैंडल को पहनकर श्री कृष्ण के मंदिर जाते होंगे और कृष्ण के मंदिर की चौखटों पर जब उन जूतों को उतार कर अंदर कृष्ण की आरती उतारते होंगे तो चौखटों पर पड़ी वो जूतियाँ कृष्ण से क्या कहती है? वो कहती कृष्ण, कृष्ण पर मैं उनके पैरों की जूतियों के सहारे भी तेरे मंदिरों तक आती हूँ, अपनी करुण कथा तेरी चौखटों को मैं सुनाती हूँ कि हे कृष्ण जब तक बांसुरी तुम मेरे लिए नहीं बजाओगे मुझे जूतियों के रूप में अपनी चौखटों पर पाओगे, मुझे जूतियों के रूप में अपनी चौखटों पर पाओगे। और जूतों को मंदिर के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता, साफ़ सफाई एक अलग मकसद हो सकता है, लेकिन मैंने जूतों की भावना लिखने की कोशिश की कि जूतों को मंदिर के अंदर क्यों नहीं ले जाने दिया जाता। वो जूतियाँ कहती है कृष्ण से कि कृष्ण अगर इन जूतों को तेरे मंदिर के अंदर लाने की अनुमति होती, कृष्ण अगर इन जूतों को तेरे मंदिर के अंदर लाने की अनुमति होती, ये जूतियाँ तेरे चरणों में बैठकर रोती, मेरे इस बदले हुए रूप पर तुम भी कुछ कहते, हो सकता है कृष्ण तुम्हारी भी आंखों से कुछ आंसू बहते। शायद इसीलिए जूतों को मंदिर के अंदर लाने की अनुमति नहीं है और तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़े नहीं, इसलिए मेरी जगह तुम्हारी चौखटों पर ही सही है। तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़े नहीं इसलिए मेरी जगह तुम्हारी चौखटों पर ही सही है। तो कृष्ण हर बार हर बार हर बार तेरे भक्तों की स्वार्थ सिद्धि में कटी हूँ मैं। मैंने इतिहास से एक पंक्ति उठाने की कोशिश की इस कविता में कि कृष्ण हर बार हर बार हर बार तेरे भक्तों की स्वार्थ सिद्धि में कटी हूँ मैं, कभी कारतूसों के रूप में उनके मुंह से फटी हूँ मैं, मेरे लिए मंगल पांडे की फांसी से दुनिया दंग थी, मेरे कारतूसों का विरोध ही कृष्ण 1857 की जंग थी। तो ये कृष्ण कभी शिवाजी की आंखें मेरे लिए छलकी थी, कभी उनकी तलवार मेरे रक्षण के लिए ललकी थी, पर अब ना कोई शिवाजी है ना मंगल पांडे का राग है, आज भी हिंदुत्व के माथे पर मेरी हत्या का दाग है। तो हे कृष्ण मेरी मौत पर मौन क्यों पड़ा है तू? गाय क्या कह रही कृष्ण से कि कृष्ण हे कृष्ण मेरी मौत पर मौन क्यों खड़ा है तू, क्यों मेरी परीक्षा लेने जिद पर अड़ा है तू, तब आंखों में भरकर आंसू सावन सी बरसती हूँ मैं, 56 भोग लगते हैं तुझे निवाले को तरसती हूँ मैं। और हे कृष्ण जब वध के लिए मैं कत्ल खाने जाती हूँ, गर्दन पे छुरी होती है पर कृष्ण कृष्ण गाती हूँ, और कटते वक्त मेरी आंखों में आंसू इसलिए होते हैं क्योंकि कटते कटते भी हे कृष्ण तेरी याद में हम रोते हैं, कटते कटते भी कृष्ण तेरी याद में हम रोते हैं। और गाय कृष्ण को कहना चाहती कृष्ण कटते समय मेरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं गिर रहे कि मैं कटने जा रही हूं, कटते समय मेरी आंखों से गिरने वाले वो आंसू सिर्फ तुझसे ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण अब मेरे स्तनों का दूध सूख चुका है, मेरा गोमूत्र सूख चुका है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं तुझे अर्पण कर सकूं इस आंसुओं के सिवा। तो गाय की आंखों से झरते हुए आंसू कृष्ण से कहना चाहते हैं कि कृष्ण मेरी आंखों से झरता हर आंसू तेरे चरणों में अर्पण हो जाए, मैं क्यों रो रही हूं? वो कहती कि कृष्ण मेरी आंखों से झरता हर आंसू तेरे चरणों में अर्पण हो जाए, मेरी आंखों से गिरते जल से ही कृष्ण जीते जी मेरा तर्पण हो जाए, क्योंकि कृष्ण जब एक एक पग मेरा कटघरे की ओर जाता है, हर पग पर मुझे सिर्फ तू ही नजर आता है, तेरी प्रतीक्षा में जब मेरा संयम डोलने लगता है, मेरी रगों में अपना भय घोलने लगता है, तब वो एक एक पग मुझे एक योजन सा लगता है, उससे निकलने वाला पदचाप तेरे भजन सा लगता है, मेरी चित्कारें तेरी आराधना करती है, मेरी तीव्र सांसें तेरी प्रार्थना करती है, दिल की बढ़ती धड़कने बांसुरी के स्वरों सी मचलती है, शरीर में रक्त की धाराएं गंगा के प्रवाह सी चलती है। और कभी गौर से सुनना कृष्ण मेरे गले की घंटियों के स्वर अब तेरे मंदिर की घंटियां गाती है, कभी गौर से सुनना कृष्ण मेरे गले की घंटियों के स्वर अब तेरे मंदिर की घंटियां गाती है, और मेरे रोने की आवाज तेरी राधा की पायल से आती है, मेरे रोने की आवाज तेरी राधा की पायल से आती है। और एक बहुत बड़ी तुलना की है मैंने अपनी कविता में, गाय कृष्ण से कहते कि कृष्ण तुझमें और कसाई में फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुझमें और कसाई में फर्क सिर्फ इतना सा है कृष्ण कि तू मेरे चरणों में शीतल जल चढ़ाता था वो मुझे गर्म उबलते पानी से नहलाते हैं, तू अपने पैरों को टेक कर मुझे दंडवत प्रणाम करता था वो मेरे पैरों को बांध कर मुझे उल्टा टांगते हैं, तू मेरी पीठ पर हाथ फेरता था वो मेरी गर्दन पर छुरियाँ फेरते हैं, यहाँ तेरे बांसुरी की लूरियाँ मुझे सुलाती थी वहाँ कत्ल खानों की छुरियाँ मुझे सुलाती है, लेकिन कृष्ण जब चमचमाती तलवार मेरे सर पर आलिंगन करती है मैं नहीं डरती उससे, वो मुझ पर चलने से है क्योंकि कृष्ण मुझे मारने वाली कत्ल खानों की छुरी नहीं तेरे भक्तों की एहसान फरामोशी है, और मेरे वध के लिए कोई कसाई नहीं बेचने वाला तेरा भक्त दोषी है, मेरे वध के लिए कोई कसाई नहीं बेचने वाला तेरा भक्त दोषी है। और कृष्ण तेरे सच्चे भक्त तो गरीब किसान है मुझे जिन्होंने मुझे पाला है, जो कृष्ण भक्त कहते खुद को, गाय बताना चाहती कौन कृष्ण भक्त है,
कि कृष्ण तेरे सच्चे भक्त तो गरीब किसान है जिन्होंने मुझे पाला है, वो गिनी चुनी गौशाला है जिन्होंने मुझे संभाला है, वो मंदिर के पंडित पुजारी जो मेरी पूजा करते हैं, जो थोड़ी सी संवेदनाएं मेरे लिए अपनी आंखों में रखते हैं, वो शहर के गिने चुने लोग जिनके भरोसे गौशालाएं चलती है, जिनके दिए हुए चंदे पर कई गायों की जिंदगियां पलती है, ये उन्हीं का एहसान है कृष्ण कि आज धरती पर तेरी गाय है, वरना तेरे भक्तों ने तेरे मंदिर ही खूब बनाए हैं, वरना तेरे भक्तों ने तेरे मंदिर ही खूब बनाए हैं। और जो खुद को गौरक्षक कहते हैं, गौसेवक कहते हैं, मेरी कविता की दो पंक्तियां घर लेकर जाना, फिर खुद को गौरक्षक कहना कि हो सके तो पहले जीवन में गाय पालिए या गौशाला से गोद लीजिए, पर गायों की मूर्तियों से घर सजाकर गौरक्षा का संदेश मत दीजिए, पर गायों की मूर्तियों से घर सजाकर गौरक्षा का संदेश मत दीजिए।